तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन लोगों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है केवाईसी को लेकर। मैं सब कुछ इस वीडियो में अपडेट करूंगा कि क्या आपका जो यहां पे 7 बैंक जैसा मर्ज हुई है, मतलब तो उन लोगों को क्या दोबारा से यदि मर्ज हुआ बैंक तो दोबारा से यहां पे केवाईसी करवाना पड़ेगा, क्या है बैंक द्वारा ऑफिशियल अपडेट है उसके बारे में बात करने वाला हूं कि आपको केवाईसी करवाना ही पड़ेगा या पुराने वाले से काम चल जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं लिस्ट बताना चाहूंगा, ठीक है, जो बैंक मर्ज हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ जुड़ी है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और कैनरा बैंक के साथ जुड़ी है सिंडिकेट बैंक, और यहां पर इंडियन बैंक के साथ जुड़ी है इलाहाबाद बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़ी है देना बैंक और विजया बैंक, और यहां पर यदि बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जुड़ी है। इस लिस्ट में यही नाम शामिल है, इतने बैंक यहाँ पे मर्ज हुए हैं। तो सब लोगों के मन में एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि क्या हमारा बैंक यदि मर्ज हुआ है दूसरे बैंक के साथ तो क्या हमको केवाईसी के लिए अपडेट कराना होगा। जैसे केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके मदद से ही हमारा अकाउंट वगैरह एक्टिवेट होता है और पैसा वगैरह हम केवाईसी की मदद, अगर केवाईसी हमारा कंप्लीट है तो पैसा वगैरह अपना आधार कार्ड से हम कहीं भी स्वास्थ्य जन सेवा केंद्र पर या कहीं भी जहाँ पे आधार मतलब सिस्टम में पैसा निकालने का वहां से निकाल पाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो बैंक द्वारा अपडेट है वो अपडेट ये है ना कि यदि आपको बताना चाहूंगा, यदि मान लीजिए आपका अकाउंट था ना यहाँ पे इलाहाबाद बैंक में था, ठीक है, और इलाहाबाद बैंक से आप इंडियन बैंक में चले गए हैं, तो यदि आप इलाहाबाद बैंक में जब थे, यदि दोस्तों आप जब इलाहाबाद बैंक में खाता धारक थे ना तो उस टाइम यदि आपने केवाईसी अपना कंप्लीट करवा के रखा था, ठीक है, सब कुछ सही था और इंडियन बैंक में अब आपका बैंक मर्ज हुआ है तो आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपकी केवाईसी पुराना वाला ही मान्य रहेगी। लेकिन यदि आप इलाहाबाद बैंक में जब आपका अकाउंट था उसी टाइम आपने यहाँ पे केवाईसी नहीं कंप्लीट करवाया था और इंडियन बैंक में अब मर्ज हो गया है तो आपको इंडियन बैंक में जाके अपना केवाईसी कंप्लीट करवाना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यदि पहले से हुआ था तो कोई बात ही नहीं है, या पहले यदि मिनी केवाईसी करवाए थे तो अब फुल केवाईसी करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से यदि आप पहले केवाईसी कंप्लीट केवाईसी यदि हो गया था तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आपको केवाईसी नहीं करवाना पड़ेगा, केवाईसी पुराना वाला ही आपके काम कर जाएगी, ठीक है। यदि आप यहां पे पहले सिंडिकेट बैंक में थे और आप कैनरा बैंक में आ चुके हैं तो यदि सिंडिकेट में आपका यहां पे केवाईसी कंप्लीट था तो कैनरा में कंप्लीट नहीं करवाना पड़ेगा, पुराना वाला ही वर्क करेगा, या यदि नहीं सिंडिकेट में आप करवाए थे तो कैनरा में करवाना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल देके मैंने समझाया, हर एक बैंक के साथ यही रूल लागू होता है, यदि पहले कंप्लीट था तो अब आपको केवाईसी नहीं करवाना होगा, यदि पहले नहीं था तो अब करवाना होगा। तो उम्मीद है ना मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।